वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्लासेस जो स्टार्ट होते हैं उसमें जो भी अटेंडेंस वगैरह की बातें कही जाती है हर दिन, तो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट होते ही पहले अपना अपना अटेंडेंस बना लिया करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले वाटर, देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये आपके बुक का चैप्टर 14 का ये लेसन है, ये टॉपिक है। और इसमें कहता है वाटर इज नीडेड वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी कीमती संसाधन हैं उसमें सबसे कीमती संसाधन वाटर ही है। इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वाटर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कहा जाता है कि लगभग 3/4 हिस्सा पृथ्वी का वह जल से घिरा हुआ है। दिस कैन बी सीन इन रिवर्स, ओशन, सीज एंड पॉन्ड्स, जिसे आप समुद्र में, नदियों में, तालाब में, इन सब में देख सकते हैं। वाटर जेन कहता है इन एग्जिस्टेबल एंड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मीन्स कि यह जो है एक तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो कभी ख़त्म ना हो, और दूसरा रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, वाटर अ नेचुरल गिफ्ट। बेसिकली वाटर जो है वो एक नेचुरल गिफ्ट है, यह प्राकृतिक तोहफा है। लेट अस रिव्यू दैट वी नो अबाउट वाटर, वॉट इज़ वाटर। तो चलिए जानते हैं कि पहले वाटर क्या है, वाई डू वी नीड वाटर, और हमें वाटर की ज़रूरत भी क्यों होती है, ठीक है। एंड हाउ डू वी गेट वाटर, पानी हमें कैसे प्राप्त होता है। वाट इज़ द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म ऑन आवर प्लैनेट। देखिए ये हमारे प्रकृति में जो तरल अवस्था में यह पाया जाता है, तो कहता है अबाउट 70% ऑफ अर्थ, लगभग पृथ्वी का 70% हिस्सा वह जो है वाटर बॉडी से ढका हुआ है, जैसे ओशन, सी, लेक, रिवर, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। कहता है इज ऑल दिस वाटर फिट फॉर आवर कंजप्शन, क्या ये सभी हमारे योग्य हैं, पीने योग्य हैं। द वाटर प्रेजेंट इन द सी इज वेरी सॉल्टी, क्योंकि देखिए समुद्र में जो भी पानी मौजूद है वो बिल्कुल खारे हैं, नमकीन हैं। एंड वन कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर अनलेस द सॉल्ट इज रिमूव फ्रॉम इट, और कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता है जब तक कि कोई इससे नमक को अलग ना कर दे। द प्रोसेस अडॉप्टेड कॉमर्शियली इज कॉल्ड डीसैलिनेशन, और इससे नमक को अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे हम डीसैलिनेशन कहते हैं। दिस डेज, आज के दिनों में डीसैलिनेशन जो है कैरीड आउट बाय रिजर्व ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड वी कैन गेट प्योर वाटर बाय डिस्टिलिंग सी वाटर। और हम समुद्र के पानी का अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस मैंने एक पीछे पढ़ाया था, तो इस प्रोसेस के द्वारा हम समुद्र के पानी से जो है नमक को अलग कर सकते हैं और उससे पीने योग्य जल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सवाल है व्हाई डू वी नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत क्यों है? सवाल ये कहता है द प्राइमरी रोल ऑफ वाटर इज टू हेल्प इन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैरीड आउट इन आवर बॉडी। जो सबसे प्रथम इसका जल का जो उपयोग है हमारे शरीर के अंदर, वह बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया यानी फूड डाइजेशन, है ना, बेसिकली भोजन के डाइजेस्ट होने के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। तो भोजन के डाइजेस्ट होने के लिए जो है हमें वाटर की ज़रूरत होती है। कहता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आवर ब्लड, यहाँ तक कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो रक्त का जो परिवहन होता है उसके लिए भी पानी जरूरी है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिक्वायर वाटर, यहाँ तक कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट वाटर है, जो बेकार पानी है, वह यूरिन के जरिए, पसीने के द्वारा हमारे शरीर से भी बाहर निकल जाता है। देयरफॉर वी हैव टू ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, इसीलिए हमें काफ़ी उचित मात्रा में जल ग्रहण करना पड़ता है, पीना पड़ता है।
आवर ब्लड हैज, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, आवर ब्लड हैज़ अबाउट 80% ऑफ वाटर, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो खून है उसमें भी 80% भाग जो है वह जल ही है। इट इज़ नॉट अ वन टाइम रिक्वायरमेंट, यह सिर्फ एक बार की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी कंटिन्यूसली लूज वाटर एज वी एक्सहेल, परस्पायर, पास यूरिन एक्सेट्रा। देखिए, जरूरी नहीं कि ब्लड में हमेशा वाटर का क्वांटिटी सेम ही रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पानी कम यूज करते हैं, बॉडी में पानी का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है अगर वो नहीं जा पाता है, तो फिर ये हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सहेल। देखिए, इनहेल मीन्स होता है श्वास लेना, एक्सहेल मीन्स होता है श्वास छोड़ना। परस्पायरेशन यानी कि पेड़ पौधे में शरीर से जो पसीना बाहर आता है, बेसिकली इसे परस्पायरेशन कहते हैं। इसके अलावा पास यूरिन यानी शरीर से मूत्र का त्याग होना, इन सब के द्वारा भी हमारे बॉडी से है ना वाटर लॉस होता है। तो हमें ज़रूरी है सफिशियंट अमाउंट में पानी लेने। इफ़ वी डू नॉट टेक इन सफिशियंट वाटर, देयर विल बी अ डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। अगर हम सफिशियंट अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं तो फिर हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। एंड जस्ट अबाउट 10% शॉर्टेज ऑफ वाटर इज टर्म डिहाइड्रेशन। और अगर शरीर में जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है पानी की, अगर उसमें 10% मात्रा भी घट जाए तो हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इफ वी नेगलेक्ट इट एट दिस स्टेज, अगर इस अवस्था में हम इसे नेगलेक्ट करते हैं, एंड आवर बॉडी कंटिन्यूज टू लूज वाटर, और हमारा शरीर लगातार पानी को निकालता रहता है, तो आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। एंड आवर लिम्स मे नॉट फंक्शन नॉर्मली, हमारे लिम्स हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं। इमिडिएट डिहाइड्रेशन इज प्रोवाइडेड बाय इन इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ सेलाइन वाटर टू सेव आवर लाइफ। इसके बाद जो है हमें तुरंत इमिडिएट हाइड्रेशन के लिए यानी कि वाटर पहुँचाने के लिए हमारे शरीर में एक खास तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं, जिसमें सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे जीवन को बचाया जा सके। यू माइट हैव हर्ड ऑफ ORS, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं, विच कैन बी मेड बाय सिंपली डिजॉल्विंग अ लिटिल सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, जिसे हम काफ़ी आसानी से मतलब थोड़े से नमक और थोड़े से पानी को मिला करके घर पर भी हम इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। कहता है ड्रिंकिंग ORS हेल्प्स अस व्हेन वी सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, हमें ORS लेना चाहिए जब बेसिकली हम डिहाइड्रेशन के निर्जलीकरण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि देखिए स्पेशली व्हेन वी हैव लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग ड्यू टू गैस्ट्रो नाइट्रेट्स, मतलब इमीडिएट रिहाइड्रेशन सेव लाइफ। दैट मीन्स कि जब आपको काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा बॉडी से जो है पसीना बाहर आ रहा है, या फिर आपको काफ़ी उल्टी हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ORS पीना चाहिए। देखिए, आवर डेली फूड ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना भी खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसमें भी उचित मात्रा में जल तो मौजूद रहता ही है, बट दिस वाटर इज़ नॉट सफिशियंट टू मीट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट, लेकिन यह जो है हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। देयरफोर वी हैव टू ड्रिंक अबाउट 2 or 3 liters ऑफ वाटर डेली, इसीलिए हमें प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 3 liter जल का सेवन करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर आवर थर्स्ट, हमें अपने प्यास को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी भी प्यास लगे तो आप पानी अवश्य ग्रहण करें। प्लांट्स, अगर हम पौधे की बात करें तो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट मीन्स कि पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्टेशन उनकी भी बॉडी के अंदर होता है, उन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है ताकि उनके पौधे के हर हिस्से में न्यूट्रिएंट्स पहुँच सके। एंड व्हेन वाटर द प्लांट, वाटर अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स राइजेस थ्रू द फाइन कैपिलरी लाइक रूट्स, जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो पानी के सहारे उसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है,
जो प्लांट्स के जो कैपिलरीज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जड़ से यानी कि जड़ की मदद से मिट्टी के नीचे से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड प्लांट्स आर लूज वाटर थ्रू स्मॉल होल्स इन द लीव्स, दिस इज कॉल्ड स्टोमाटा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी पेड़ पौधे में जो जल की कमी होती है यानी जो वो श्वास छोड़ते हैं बेसिकली इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एंड एक्रे ऑफ कॉर्न प्लांट्स ट्रांसपायर्स अबाउट 15,000 लीटर्स। देखिए यहाँ पर कहता है कि अगर आप एक एकड़ में कोई भी कॉर्न प्लांट्स लगाते हैं बेसिकली उसमें जो है तकरीबन 15,000 लीटर पानी का खपत होता है, डेली खपत होता है। इफ इट डज नॉट रेन एंड वी डू नॉट इरीगेट द फील्ड ऑकेजनली, अगर मान लीजिए किसी कारणवश बारिश नहीं होता है और आपने पौधे में पानी नहीं दिया हो, द प्लांट्स विल विल्ट एंड अल्टीमेटली डाई, तो पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। सी वाटर इज नॉट फिट फॉर इरीगेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्ट कंटेंट। देखिए समुद्र का जो पानी होता है ये इतना खारा होता है कि इसका इस्तेमाल हम सिंचाई के लिए नहीं कर सकते। सिंस वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, और यही कारण है कि इसका कारण ना तो हम पीने के लिए कर सकते हैं ना ही इसका हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है कैन वी यूज इट एल्सवेयर, तो क्या इसका इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता है, ये संभावना पूछा गया। तो कहता है इट इज़ यूज फॉर सपोर्टिंग मरीन लाइफ, सी फूड एंड मरीन ट्रांसपोर्टेशन। तो समुद्र के जल का इस्तेमाल जो है मरीन लाइफ यानी जितने भी समुद्री जीवन हैं, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, इसके अलावा सी फूड समुद्र से जितने भी खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, और कहता है मरीन ट्रांसपोर्टेशन। यानी मरीन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया समुद्र में जो यातायात की जो सुविधाएं हैं, जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं उसे कार्गो शिप वगैरह जो होते हैं है ना, बड़े बड़े जहाज, तो इन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुद्र काफ़ी यूजफुल है। सी वाटर इवेपरेट्स एंड गोज टू द एयर, जितने भी समुद्र के जल हैं वे इवेपरेट्स होते हैं सनलाइट में, और ये वाटर पेपर चूँकि लाइट होते हैं हल्के होते हैं इसीलिए ऊपर राइज करते हैं, और फिर ये ऊपर जा करके हवा में मिल जाते हैं, उसके बाद ये क्लाउड्स यानी बादल का निर्माण करते हैं एंड गिव्स अस रेन, और फिर हमें बारिश प्रदान करते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर गेट्स सोक्ड इनटू द अर्थ, अधिकांश जल का जो बारिश का जो पानी होता है वो पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है। एंड इट गेट्स डीपर एंड डीपर टिल इट रीचेज द इंपरवियस लेयर ऑफ रॉक्स थ्रू विच इट डज नॉट परमिट। कहता है कि धीरे धीरे करके यह समुद्र के माफ़ कीजिएगा, वो ज़मीन पर जब बारिश का पानी जमा रहता है वो धीरे धीरे करके सीप करके ज़मीन के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर जाते जाते वो अंडरग्राउंड के रूप में अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वो जमा हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर एंड इट कैन ऑल्सो फ्लो इन साइड द अर्थ थ्रू चैनल्स, और ये धरती के नीचे भी जो अंडरग्राउंड वाटर्स होते हैं वो भी चैनल के रूप में फ्लो करते रहते हैं। कहता है व्हेन वी डिग और बोर अ वेल एट सम प्लेसेस वी मे स्ट्राइक अ चैनल ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू विच वी कैन ड्रॉ वाटर मैनुअली और थ्रू पंप्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। बेसिकली जैसे आप ज़मीन की खुदाई करते हैं चाहे आप चापाकल के लिए चाहे कुआं के लिए, तो इसके द्वारा जो पानी आप चाहें तो खींच सकते हैं बाहर, वो भी बड़े बड़े समर्सिबल या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल जो है मशीन है जिसके द्वारा पानी आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। समटाइम्स द अंडरग्राउंड वाटर गुशेस आउट थ्रू क्रैक्स इन द रॉक्स, कभी कभी तो चट्टान या पहाड़ के बीच में भी जो होते हैं उनसे भी पानी वगैरह रिसते रहते हैं। द वाटर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फॉर्म रिवर विच फ्लो डाउन द हिल्स टू द प्लेन्स, काफ़ी बड़े बड़े जो स्ट्रीम्स होते हैं वे रिवर का निर्माण करते हैं जो कि बहते बहते आगे चल करके मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों से होते हुए वे जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। मैनी रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस एट द हाई पीक्स ऑफ हिल्स, और बड़े बड़े पहाड़ की चोटियों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं जो बर्फ की चादर बिछे हुए हैं वो भी मेल्ट होकर के वो नदी बन के चैनल्स में या समुद्र में मिल जाते हैं। तो कहते हैं डू वी हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ पोटेबल वाटर अवेलेबल, क्या हमारे पास पीने योग्य जो सफिशियंट अमाउंट होना चाहिए वाटर का वो अवेलेबल है या नहीं, तो ये सब भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि
इन सारे सवालों का जवाब अगर हम खुद ढूंढें तो शायद हमें भी पता है कि पीने योग्य जल हमारे पास पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर रोकूंगा और अगले दिन फिर मैं पेज नंबर 148 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बस बने रहें और परीक्षा की तैयारी जम कर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।